मध्य प्रदेश राज्य शासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कमर कस ली है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज बड़वानी जिले के ठिकरी नगर में कार्यवाही की गई। ठिकरी तहसीलदार एच सी निगवाल ने नगर के चौपाटी पर स्थित शासकीय जमीन पर अवैध रूप से जमाए कब्जे को हटाया और रास्ते में आने वाले पेड़ की शाखाओं को हटाया। इस दौरान ग्रामीण और कब्जाधारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में राजपुर SDM वीर सिंह चौहान, तहसीलदार SC निगवाल और थाना प्रभारी विनय आर्य ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को खुद दुकानों पर जाकर चेतावनी दी। सुबह 10 बजे से आमले के साथ सभी लोग अतिक्रमणकारियों के पास पहुंचे और उनकी दुकानों की नपती की नाम लिखकर सभी को चेताया कि अपने जमीन के कागज दिखाए या फिर अपने अतिक्रमण हटा लिए जाए। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जो कार्रवाई जो है कलेक्टर महोदय द्वारा जी एक दल किया है, मतलब बनाया है, गठित किया है जी, उसमें जितने भी भू माफिया है, शराब माफिया, अतिक्रमण है, अवैध रूप से किया, सबको हटाना है जी। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज ठिकरी में भी हमने कार्रवाई की है जी, और एक रोड की भी समस्या थी बच्चों के लिए कन्याशाला की जी, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको सीमांकन करके विधिवत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अगर वो स्वयं हटा ले ठीक, नहीं फिर प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा। सर, ठिकरी मार्केट में बस स्टैंड से चौपाटी तक लगभग 270 दुकानें और 110 घर है, ये सभी लगभग अतिक्रमण में है, तो इन सबको भी हटाया जाएगा? उनको देखते हैं कब से अतिक्रमण किया है, क्या किसने दिया होगा, हो सकता है कुछ दुकानें बना के जी, उसको हम सभी को एक एक को नोटिस देंगे, उसके बाद सुनवाई करके विधिवत उसको भी हटाएंगे। अच्छा सर, फिलहाल अभी कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई? अभी तोड़फोड़ नहीं, लेकिन जो उनको नोटिस देके कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे